बिलासपुर में राज्य अधिवक्ता परिषद ने सरकार से कोरोना काल में वकीलों की आर्थिक मदद किए जाने की मांग की है। 15 दिनों में वकीलों को सरकार से आर्थिक मदद नहीं मिलने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। राज्य अधिवक्ता परिषद के अध्यक्ष प्रभाकर चंदेल ने कहा है कि कोरोना काल में वकीलों की आर्थिक स्थिति खराब है और दूसरे राज्यों में वकीलों की मदद की जा रही है, लेकिन यहाँ सरकार मांगों पर ध्यान नहीं दे रही, इसलिए प्रदेश भर के 27,000 वकील आंदोलन करेंगे। छत्तीसगढ़ की सरकार जो है वकीलों के प्रति पूरी तरीके से उदासीन बने हुए हैं। वकीलों के लिए यदि विचार करते हैं तो ठीक है, नहीं तो वकील जो है पूरे प्रदेश के अधिवक्ता संघों को साथ में लेकर के अब आंदोलन के लिए रोड लंबा चल रहा है। तो आर्थिक मदद नहीं मिलने पर वकीलों ने आंदोलन किए जाने की चेतावनी दी है। शैलेंद्र पाठक जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शैलेंद्र, क्या स्थिति बताई जाती है, क्या सरकार इनकी मांगे सुनेगी? अब ये चूंकि लंबे समय से अधिवक्ता संघ के द्वारा सरकार के बीच लंबे समय से द्वंद चल रहा है, ये जब से लॉकडाउन की स्थिति पैदा हुई है तब से ये सब लगातार वकील इस बात की मांग कर रहे हैं कि सरकार को राहत पैकेट देना चाहिए। जिस तरीके से दूसरे राज्यों में हाईकोर्ट ने वकीलों के लिए राहत पैकेट जारी किया है तो छत्तीसगढ़ सरकार को भी ये जारी करना चाहिए, लेकिन अभी तक ये हुआ नहीं है। और ये जैसा कि वो जो राज्य अधिवक्ता परिषद के अध्यक्ष हैं प्रभाकर सिंह चंदेल, उनका ये कहना है कि लगातार हम मुख्यमंत्री को ज्ञापन दे रहे हैं, उनसे मिल भी रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से मिल रहे हैं, एडवोकेट जनरल के माध्यम से उन्होंने मुलाकात की, बावजूद इसके जो उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। तो ऐसे में उनका ये कहना है कि अभी ये 10 से 15 दिन का समय है, जबकि अब वकील बहुत ज्यादा क्राइसिस में है, वर्चुअल हियरिंग बंद है, मतलब चल रही है, और जैसे जैसे फिजिकल डिस्टेंस से जो वो न्याय नहीं मिल रहा है, पक्षकार जो परेशान है, तो ऐसे में वकीलों की स्थिति भी खराब है और पक्षकार की भी स्थिति खराब है। तो सरकार आपकी स्थिति दे नहीं रही, इनका ये भी मांग है, उसमें भी टिकट होता है जो वकीलों के उसमें नहीं लगता है, वो टिकट के उसके उसका जो फंड होता है उसको खर्चा करने की अनुमति सरकार जो कमेटी होती है, सरकार की कमेटी है तो वो उनको देते, लेकिन वो भी उनको नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में जो दिक्कतें क्या आ रही है, अब इसमें दिक्कत ये सरकार का फैसला है, सरकार को लेना है, क्योंकि फंड सरकार के पास रहता है और वो कमेटी सरकार की होती है जिसमें लॉ मिनिस्टर, लॉ सेक्रेटरी और तमाम लोग उसमें मेंबर होते हैं, तो इनकी सबकी ज्वाइंट कमेटी होती है, वो निर्णय लेती है कि इसको करना है कि नहीं करना है। अब वकील चूंकि अब बहुत ज्यादा क्राइसिस में है, बहुत ज्यादा तकलीफ में है, उनको आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, तो इसलिए अब ये स्थिति बन रही है कि वो अगर सरकार को 10 से 15 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं, अगर सरकार नहीं मानती उनकी बात को, 27,000 वकील जो प्रदेश भर के हैं वो सब आंदोलन में चले जाएंगे। ये और इसमें दूसरे सामाजिक संगठनों को भी जोड़ने की कोशिश जो है ये बार के द्वारा, काउंसिल के द्वारा की जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।